नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एसके लाइव में। आपका समय, आपकी खबर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़े हैं जो बीते दिनों बहुत गंभीर एक मुद्दा बना रहा है, एक बड़ा मुद्दा बना रहा है जिसको लेकर बड़ी सारी बातें होती रही। वो मुद्दा है टूरिज्म इंडस्ट्री का, पर्यटन उद्योग का। जी हाँ, पर्यटन के बारे में बड़े सारे लोगों ने, बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अगर आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो यात्रा, आम भाषा में यात्रा, हालांकि पर्यटन इससे बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आम भाषा में हम अगर समझे तो यात्रा। और किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि पूरी दुनिया एक किताब है, और जिसने पर्यटन नहीं किया, जिसने यात्रा नहीं की, उस व्यक्ति ने इस दुनिया की किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ा है। आज कोरोना के कारण, वैश्विक महामारी के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तालाबंदी है, और ऐसे में पर्यटन उद्योग के ऊपर बड़े काले बादल मंडरा रहे हैं। क्या स्थितियां रहेंगी आगे, कौन सी आशा की किरण हमको दिखती है, इन्हीं विषयों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ टूरिज्म पॉलिसी के जानकार और ग्रामीण पर्यटन अभियंता राज बसु जी हैं। राज बसु जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। नमस्कार 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 दीपू जी, और नमस्कार आपके जितने भी व्यूअर्स है एसके लाइव के, जो हमारी ये रीजन की, उत्तर बंगाल और सिक्किम की सबसे पॉपुलर एक चैनल है, इसमें जितने भी हमारे व्यूअर्स है सबको मेरा नमस्कार। प्लीज दीपू जी। तो राज जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसी स्थिति है, लगातार लोग सिर्फ एक ही पहलू के ऊपर बात कर रहे हैं कि पर्यटन उद्योग पे काले बादल मंडरा रहे हैं, पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान लग गया, और वाजिब बात भी है, लोगों की बात भी सही है। क्योंकि आप देखिए राज जी, सबसे पहले बंद होने वाली इंडस्ट्री जो थी लॉकडाउन के बाद, वो पर्यटन उद्योग था। और जो उम्मीदें, जो इस वक्त उम्मीद मैं नहीं कहूं, ये कहना ज्यादा सही होगा कि जो इस वक्त कयास लगाया जा रहा है वो ये कि यही वो उद्योग होगा जो आखिर में खुलेगा सबसे। ऐसे में राज जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहां पे आशा की कोई किरण दिखती है? दीपू जी देखिए, ये जो पर्यटन आपने शुरुआत में ही बता दिया कि इसके यात्रा बोलते हैं, तो आप अगर देखेंगे कि आज के दिन में जो मॉडर्न टूरिज्म हम देखते हैं, आज के जो पर्यटन का स्थिति हम देखते हैं, इसकी शुरुआत हमारी देश में बहुत साल, हजारों साल पहले शुरू हो गई थी, जिसका हम तीर्थ यात्रा बोलते थे। आप जानती होंगे कि कितने हजारों साल से ये तीर्थ यात्रा चलते रही है, और लोग पैदल जा चुके हैं, लोग नाव पे चल चुके हैं, लोग हाथी पे चल चुके हैं ये तीर्थ यात्रा करने के लिए। और वो जैसे आपने बताया कि ये एक कोई भी मानव सभ्यता के अंदर ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि मानव सभ्यता में, मानव अगर अपना ट्रैवल नहीं करती है, अगर मानव अपना यात्रा नहीं करती है, तो उनका जो है उनका पढ़ाई अधूरा रह जाता है। आप जितने भी किताब पढ़ ले, आप जितने भी क्लासरूम के अंदर पढ़ ले, जब तक आप ट्रैवल नहीं करें, जब तक आप यात्रा नहीं करें, तो आपका ये पढ़ाई जो है वो विजडम में नहीं, ज्ञान में नहीं बदल सकती है ना। तो इस ये जो चीज है, इसको हम कभी भी रोक के नहीं रख सकते। जब तक मानव जाति रहेगी, जब तक मानव सभ्यता रहेगी, ये पर्यटन जो है, ये यात्रा जो है वो चलती रहेगी, ये सिलसिला कभी बंद नहीं हो सकती है। और आप देखिए कि ये कोई नया चीज नहीं है, जो पैंडेमिक जो है हम लोगों ने पहले भी देखा कि पैंडेमिक आई, प्लेग आई, उसके बाद अलग अलग जो फ्लू है वो आई हमारे देश में, वर्ल्ड वॉर्स आए हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, हाँ, जो जो हम लोगों ने पहला विश्व युद्ध जो है वो हम लोगों ने देखा है, सेकंड विश्व युद्ध हम लोगों ने देखा है, उसमें जो युद्ध हुआ था उसमें आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो गया, आपके ट्रेन, हवाई अड्डे, आपके कितना कुछ डैमेज हो गया था। लेकिन अभी जो है, अभी सिर्फ एक डर ही है जो इसको रोक के रखा है, ये पर्यटन या यात्रा को रोक के रखा है, एक ही चीज है, वो डर है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जगह में है, चीजें आपके जगह में है, लोग अपने जगह में है, कोई उसमें कोई भी तरह का उसमें मतलब क्षति आई है नहीं उसमें, लेकिन एक ही चीज है, लोगों के अंदर जो डर है। आपने 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 जो एक बात कही, डर, बिल्कुल सही बात है कि डर, डर का जो माहौल है ये बहुत गहरा है इस वक्त, डर के बादल बड़े गहरे हैं, बड़े काले हैं इस वक्त। और ये भी सच है कि इस वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे ही चारों तरफ मौजूद हैं, जो इस डर के बादल को और गहरा कर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, लगातार राजनीति को अपनी चमका रहे हैं ऐसे लोग। तो ये डर के बादल बने हुए हैं, इनके बीच में मैं जो
सीधी सवाल अगर सीधा सवाल अगर आपसे करूं, सीधी जानकारी आपसे चाहूं कि कहां पे पर्यटन उद्योग को कहां पर आशा की किरण दिख रही है, ये जो पूरा पूरी की पूरी स्थिति बनी हुई है, इस सिचुएशन में कहां पे दिख रही है आशा की किरण? सर देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि अगर बीते हुए 20 साल के अगर आप बैकग्राउंड को देखेंगे, आप देखेंगे कि पर्यटन जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन के आई है, उभर के आई है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री वर्ल्ड की, और सबसे ज्यादा लोगों को ये मतलब एंगेज करती है। तो इस समय में जो परिस्थिति है हमारी, इसमें सिर्फ अब अगर देखेंगे किसी के लिए 40 दिन, किसी के लिए 50 दिन, किसी के लिए 60 दिन, इतना ही तो हुआ है। हाँ, हम लोगों ने कितना टाइम घर में रहा है, आप देखिए इतना ही टाइम हम लोग घर में रह चुके। लेकिन इसके बाद आप देखिए, जैसे जैसे लॉकडाउन की बात मतलब निकल रही है, जैसे अभी खोलने की जो वातावरण आ रही है, सबसे पहले कल आपने देखा है कि जो इंफॉर्मेशन या जो सजेशन सेंटर ने सभी स्टेट को दिया है कि आप पर्यटन के लिए तैयारी कीजिए, आप जो है डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, आप अपना जो होटल्स वगैरह है, आप जानते हैं आज से ट्रेन भी खुल गई है और धीरे धीरे करके सभी चीजें खुलने लग जाएगी। ऐसे नहीं कि खुलने नहीं लग जाएगी, लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात ये भी आती है कि लगातार श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलनी शुरू हो गई, आज से आम लोगों के लिए भी ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है, लेकिन लगातार जो एक सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए जिस पर बार बार बात हो रही है, इस तरह की ऐसी सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है और इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं डेवलप हो पाया पिछले 50 दिनों में, तो ऐसे में कहां तक ये उम्मीद हम करें कि आगे जो है लोगों के मन से ये जो डर वाली बात आपने कही, ये डर वाली बात क्या निकलेगी आपको लगता है? और ये हमारा आप देखिए, ये पर्यटन उद्योग था, ये जिस तरह से था, जिस पटरी पे चल रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं कि ये इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। एक खोमचे वाला से लेके एक मूड़ी बेचने वाला तक, ये सभी पर्यटन। सही बात है दीपू जी, आपने अपने सही एकदम सही जगह को पकड़ा है। आप इसको देख लीजिए कि पर्यटन की जो आधार है वो बदल दे रही है। आपको जैसे पहले शुरुआत में बोला था, पहले लोग पैदल जाते थे, फिर नाव में चलते थे, फिर आपकी गाड़ियां आई तो रास्ता आई तो रास्ते में चलने लग गया, ऐसे ही करके पर्यटन का आज का जो दिन है, ये जो बदल है, ये बदल को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, यही रास्ता हम लोगों को जो है वो पर्यटन इंडस्ट्री को दिखानी है। और देखिए, आज के दिन में जो अपना मतलब इतना बिजी लाइफ था, लोग शहर में इतना बिजी हुआ करते थे कि उनको जब हम छुट्टी के लिए बोलते थे, उनको जब बोलते थे कि आप छुट्टी में जाओ, समर हॉलीडे जाओ, पूजा वेकेशन में जाओ, तो वो क्या करते थे, 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन वो कहीं ना कहीं जाते थे, जहां उनका मोबाइल लगता होगा, जहां उनको कनेक्टिविटी में रहता होगा, उनका ऑफिस के साथ उनका जो है मतलब हर एक दिन का उनका कम्युनिकेशन करना जरूरी पड़ता था। लेकिन आज के दिन में देखिए कि ये 40-50 दिन का लॉकडाउन में कैसे लोगों का लाइफ स्लो हो गया है, कैसे उसमें एक धीरता आ गई है, उसमें जो है एक चीज, ये जो स्लो डाउन हो गया, एंटायर चीज जो स्लो डाउन हो गया, वो सिर्फ फिजिकली नहीं हुए, वो मेंटल स्थिति में भी पड़ रही है, जो हम लोगों का अभी पता नहीं चल रहा है। तो ये जो मेंटल स्थिति में जो ये जो मतलब ये स्लो डाउन की प्रोसेस चल रही है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। आपको ये बताएं कि अभी ये जो 3-4 दिन की जो हॉलीडे है, ये बदल के अभी भी वेकेशन हो जाएगी, लोग वेकेशन में जाएंगे। आपको याद होगा कि आपका दादा दादी लोग जब वो मतलब यंग रहते होंगे, आप जन्मे होंगे उसी समय में, आप देखे होंगे कि वो महीने भर के लिए हवा बदल के लिए जाते थे, वो कभी भी ठंडे के मौसम में, गर्मी के मौसम में कहीं ऐसा चले जाते थे जहां एक महीने के लिए अपना बिल्डिंग और ट्रंक लेके वो निकल जाते थे और एक महीने तक वो कहीं ना कहीं जाके रहते थे, जहां पे उनको थोड़ा सा मतलब मेंटली और फिजिकली उनको रिलीफ मिलता था। तो वो पर्यटन जो है वो अभी वापस आने वाली है और वही पर्यटन को लेके, ये वेकेशन वाली पर्यटन को लेके हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। जितना भी ग्रामीण इलाका है, जितना भी विलेज एरिया में आप जाएंगे, आप देखिएगा ये ऐसे भी आइसोलेटेड है। हाँ, जो आइसोलेशन लोग चाहते हैं, यानी कि राज जी आप ये बता रहे हैं कि ये जो पर्यटन है इसमें एक नया दौर वापस से आने वाला है, वही दौर जो बीते वक्त में रहा हुआ करता था, पर्यटन का जो तरीका बीते वक्त में अपनाया जाता था वही तरीका आने वाले समय में अपनाया जाता रहेगा। सही बात है, एक तो आपने सही पकड़ा है, ये वही चीज जो है वो थोड़ा सा नया ढंग में होगी। हाँ, क्योंकि जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जो ग्रामीण लेवल में जितना भी होमस्टे है उनको ऑनलाइन हम बताना शुरू कर दिया है,
एवेन ने कि सेंसिटाइजेशन करना शुरू कर दिया है कि इस समय में जो भी आपके पास पर्यटक आए तो उनका हेल्थ हाइजीन का केयर आप कैसे लेंगे, आप अपने आप को भी कैसे सावधानी में रहेंगे, तो ये सब जो प्रोटोकॉल है इसको लेके चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। दूसरी बात ये है कि जो भी लोग अभी आपके पास आएंगे, जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे, वो दो दिन या चार दिन के लिए नहीं आएगी, वो 15 दिन 20 दिन एक महीना के लिए या हवा बदल के लिए, क्योंकि वो अभी इतना स्ट्रेस्ड हो गया है, वो इतना एक प्रेशर लेवल के अंदर चला गया है कि वो उनको ये स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। और स्ट्रेस फ्री के लिए जो है आपका जो है नेचर का जरूरत बहुत ज्यादा होता है, पर्यावरण का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पे नेचर काफी हो, नेचर काफी अच्छा हो, आपको थोड़ा मिट्टी के साथ खेलने के लिए मौका मिले, आप जहां थोड़ा सा गांव वाले के साथ निकले तो वहां आपका जो आप जो चाहते थे कभी मन में आपको फुर्सत नहीं मिला था, थोड़ा उनके साथ धान काट के लेके आए या मकई लेके आके और घर में आपने चूल्हे पे उनके साथ खाना पकाया, ये जो स्लो प्रोसेस है आपको रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि एक पूरा रहम सहम का जो तरीका है उसमें कुछ वक्त के लिए बदल, अगर हम हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं तो लोगों का जो रहम सहन है, लोग आज घर में बंद हैं, लोग दिन रात मोबाइल लैपटॉप इन्हीं में व्यस्त हैं, तो इसके बाद ये जो मेंटल स्ट्रेस है, लॉकडाउन का स्ट्रेस है, इसके साथ ही साथ लोगों के अंदर डर है, तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए इसके बाद जो है एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें लोग अपना जो ये जीवन काल में ये जो बिता रहे हैं, जिस तरह से दिनचर्या बिता रहे हैं, डेली इनका जो रूटीन है, इसको बदलने के लिए लंबे समय तक कहीं बाहर जाएंगे और जाके छुट्टियां बिताने की कोशिश करेंगे। खासकर जैसा कि मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ राज जी, गाँव की तरफ पर्यटन जो है वो बढ़ेगा। हाँ दीपू जी, मैं आपको यहाँ ये बता दूं, काफी आज से करीब करीब 1 साल 1.5 साल पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ये हीलिंग टूरिज्म की बात छेड़ दी थी और ये लेके हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। तो ये हीलिंग टूरिज्म जो है, ये हीलिंग विलेजेस जो है, ये ऑलरेडी तैयार है, जहां आप जाने से आपको जो है आपको वहां का नेचर से, वहां का मिट्टी से, वहां का साउंड से आपको एंटायर हीलिंग प्रोसेस में लेके जाएंगे वहां गाँव के लोग। तो ये इसके बारे में जो है हमने जब चर्चा इसको शुरू किया है ये लॉकडाउन प्रोसेस में, तो ऑल ओवर आप ये जो हीलिंग विलेज की आपने बात की, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा और बताएं आसान भाषा में कि हीलिंग विलेज क्या है, क्योंकि शायद बड़े लोगों के मन में ये सवाल भी उठेगा कि क्या है हीलिंग विलेज। जी हाँ जी, आप देख चुके होंगे कि ये बीच में लॉकडाउन के प्रोसेस में हमने किसको सबसे ज्यादा डराया, ये सोच लीजिए, हमने सबसे ज्यादा डराया जो एजेड लोग हैं, जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनको डराया। हाँ, उनको हमने बताया कि आप बाहर मत निकलिए, सबसे पहले आप प्रोन है, आपके सबसे पहले पकड़ लेगी, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर, हमको समझ भी नहीं आ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा मेंटल प्रेशर जो है वो उनके ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या किया, गांव से हम लोगों ने सब प्लान किया कि हमारे जितने भी गांव है वो हम बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे पहले खोल देंगे और उनका आने देंगे, ये नहीं कि कोई पैसे के आधार में कोई चीज हुई उस चीज के आधार में, लेकिन ये हमारी जो गांव वाले जो है ये एक सर्विस देना चाहते हैं। ये क्या सर्विस देना चाहते हैं, जो पुराना हमारा जो रहन सहन था, हाँ, जो पुराना जो स्लो लाइफ स्टाइल था, जिसमें आपके लिए, हमारे लिए और हमारा आपके लिए एक फुर्सत हुआ करता था, मैं आपके साथ बैठ के दो बातें कर सकता था, मैं आपको लेके थोड़ा सा घुमाने लेके जा सकता था, मैं आपके लिए एक अलग से, आपको कोई सब्जी अच्छा लगता है तो आप भिंडी उठा के लेके आए तो आपको कैसे अच्छा लगता है उसको हम पका के दिया। फिर उसके बाद क्या क्या, हम सुबह उठ के हम लोग जो आजकल भूल ही गए, हम लोग इतना देर से उठते हैं, रात को देर तक काम करते हैं, तो गांव में वो तो सूरज के साथ सुबह होता है और सूरज ढलने के साथ वो गांव धीरे धीरे अपने सोने लग जाता है। तो ये जो सूरज उठने के साथ साथ ही लोग जब निकल जाते हैं बाहर, जो चिड़िया का आवाज सुनता है आपको, जो एकदम जो फॉरेस्ट के अंदर लोग चले जाते हैं अपने गाय बकरी लेके, अपना काट जो जिससे पकाएंगे वो लकड़ी लेने जब चले जाते हैं, उनके साथ जब आप एक साथ में जाएंगे वो फॉरेस्ट में आपको जो कनेक्शन मिलेगा, आप जानते हैं कोरिया में, जापान में स्पेशली फॉरेस्ट बनाया गया है हीलिंग फॉरेस्ट के हिसाब से, जहां पे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप कोई भी बीमारी से एक एक्सट्रीम स्टेज में, क्रॉनिक लेवल में अगर पहुंच गए तो आप ये हीलिंग फॉरेस्ट में जाइए। तो ये हीलिंग फॉरेस्ट जो है वो हमारे गांव के अंदर वो नेचुरली वहां पे प्रेजेंट है, वो उसका हम लोगों का अलग से नहीं बनाना पड़ रहा है, और उनकी जो जीवन है, उनकी जो जिंदगी है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि वो फॉरेस्ट के साथ कैसे उनका लिंक किया हुआ है। राज जी, लेकिन मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा और एक बात ये भी उठ के आती है इस वक्त
ये सही है कि हम सभी मेंटल स्ट्रेस में हैं और ये पूरी दुनिया इस वक्त स्ट्रेस में है, डरी हुई है, और इसके बीच में अगर इस तरह का एक कॉन्सेप्ट आता है हीलिंग विलेज के जैसा, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ी बात रहेगी। लेकिन एक सवाल इसके साथ ये भी खड़ा होता है कि जो लोग वहां पर जाएंगे, क्योंकि फिलहाल बच्चों ने भी जिस तरह से कहा कि ऐसा लगता है कि हमें कोरोना के साथ ही फिलहाल तो रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल अभी तक इसका वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो जो लोग वहां पर जाएंगे वो लोग, ऐसा भी हो सकता है कि वो शहरों से संक्रमण लेके वहां पहुंच जाए। सही बात है, तो इसलिए आपको आप लोग कर रहे हैं, हाँ, इसलिए आपको बताया कि पहले ही हमने आपको बता दिया कि इसके लिए जो है एक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस ऑनलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिससे कि वो अपना जीवन धारा जो आप अपने गेस्ट आएंगे वो कैसे धीरे धीरे करके उसको चेंज करेंगे। जैसे मास्क को लगाना वो जरूरी होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो गेस्ट के लिए भी मास्क लेकर रखेंगे, सैनिटाइजर जो है वो रखेंगे, अपना डिस्टेंसिंग जो है वो अपना फॉलो करेंगे, किचन में हाइजीन जो है वो अपना फॉलो करेंगे। एक गेस्ट चले जाने के बाद एक गेस्ट और दूसरा गेस्ट के बीच में वो एटलीस्ट एक से दो दिन के लिए अपने रूम को खाली रखेगा और उसका खिड़की दरवाजा सब खोल के उसको साफ करके उसका जो जितने भी उनके उनके यूज किया हुआ चीज है उसको पूरा धो के उसको तैयार करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसके इसके अंदर से हम लोग पूरे जितने हमारे होस्ट है जो गांव गांव में जो हमारे होमस्टे ओनर्स है उनको ऑलरेडी इस विषय में हम लोगों ने सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया है, और ये भी हमने उनको बताना शुरू कर दिया है कि देखिए आप पहले जितने नजदीकी से आप अपना गेस्ट से मिल सकते थे आप उसको डिस्टेंस रख के उसको एक टाइम तक उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। इसलिए आपको बोल रहा है कि हम लोगों ने वेकेशन के लिए सोचा कि ये गेस्ट जब लंबे टाइम के लिए रहेगा तो हमको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कुछ दिनों के बाद कि वो संक्रामक है या वो ठीक ठाक है और वो अपना जो है स्ट्रेस के लिए वो स्ट्रेस से भुगत रहा है। तो ये पहचान जो है गांव वालों आप जानते हैं क्योंकि उनके उनके पास आसानी से डॉक्टर नहीं होता है, तो वो कोई भी अगर बीमार होता है उनको वो देख के समझ जाते हैं, और उनके पास जो है वो घरेलू दवाई जो है वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकयार्ड से अपने जंगल्स के अंदर से वो अपना जो दवाई है जो सुबह उठ के जो तुलसी का सेवन, फिर उसके बाद आपका अलग अलग जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो ढूंढ ढूंढ के उनके साथ उनको एक प्रोसेस में लेके आना, वो जो वो अपना लाइफस्टाइल जो अपना लाइफस्टाइल में जो है वो गेस्ट को भी वो लाइफस्टाइल के अंदर ले आने का। तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है सिर्फ एक तरह से हीलिंग प्रोसेस नहीं कि सिर्फ जंगल से हीलिंग हुआ, वहां का जो लाइफस्टाइल है जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी है, वहां का जो लाइफस्टाइल है जो हम मिट्टी के साथ हम लोग मिलते हैं मिट्टी को पकड़ते हैं उसको लेके जो हमें अच्छा मिलता है, जो हम वहाँ के बच्चों के साथ हम जो इंटरेक्शन कर पाते हैं स्कूल में, अगर हमें हम कुछ पढ़ाना जानते हैं तो लोकल स्कूल में जाके हम थोड़ा बहुत क्लासेस भी ले सकते हैं, वहाँ के थोड़ा बहुत पढ़ा भी सकते हैं, उससे जो अपना जो कॉम्पैशन जो है अपना जो अच्छापन है वो निकल के आता है, वो भी हीलिंग का काफी काम करता है। जी जी राज जी, इसका मतलब कि जो लोग घूमने फिरने के पर्यटन के यात्रा के शौकीन हैं उनके लिए इस वक्त अच्छी खबर है जो आप इस वक्त पहुंचा रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि वो अगर चाहते हैं तो आने वाले समय में, और मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, वो आने वाले समय में तो जरूर जाएं हीलिंग विलेजेस की तरफ, जाएं देखें प्रकृति को, जुड़ें इससे, हील हो मानसिक तौर पर, डर का जो बादल है वो हटे। लेकिन मैं आपसे अगर जानना चाहूं ये सीधे सीधे कि इसमें कितना वक्त लग सकता है, सीधे सीधे कि कितना वक्त लगता है ऐसे हीलिंग विलेजेस को शुरू होने में राज्य। देखिए हम लोगों ने जो सोचा हुआ है, हम लोगों ने जो देखा हुआ है, हमारा एजम्पशन जो बोलता है जैसे करके पूरा चीज चालू हो रहा है कि हम लोगों को लगता है कि हमारे जो ये सिक्किम और उत्तर बंगाल को लेके करीब करीब आपका 3,000 से 3,500 जो होमस्टेज है इनको हम लोग अगले 1-1.5 महीने में शायद हम लोग तैयार कर लेंगे और बता पाएंगे कि कौन कौन सा मॉडल होमस्टे कौन कौन सा मॉडल विलेज हम लोगों के लिए तैयार हो गया। क्योंकि अभी जो है आप अगर देखेंगे कि जून के महीने से हमारे यहाँ बरसात शुरू हो जाता है और बरसात जो है वो लगातार आपका सितंबर तक चलती है, तो सितंबर 15 तारीख से जब हमारी सीजन शुरू होती है यहाँ की सिक्किम और उत्तर बंगाल की, हम आशा करते हैं कि उस समय में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इंक्वायरी आने लग गई है ये हीलिंग विलेज में जो लोग जाके 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए रहना चाहते हैं, हमारे देश के अलग अलग स्थान से ऑलरेडी हमारे पास लोग पूछने लगे हैं। ज्यादातर वो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें खर्चा कितने, क्योंकि वो जानते हैं वो ट्रैवल करेंगे वो आएंगे जरूर, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि ये लंबा समय रहने के लिए
शायद खर्चा बहुत ज्यादा लगे, ये भी सोच रहे हैं कि उसमें उनको उनको जो अलग अलग जो सर्विसेज है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, ये भी ये पूछ रहे हैं। तो उसका जो है हम लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया कि अगला जो एक डेढ़ महीना है हम लोग इसी चीज में हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। एक है पोस्ट कोविड का जो ट्रेनिंग है, कैसे हम लोग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग ट्रेन अप करेंगे। उसके साथ साथ जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि 10-12 जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस है उसके बीच में एटलीस्ट एक हेल्थ सेंटर बन जाए, सिर्फ वो टूरिस्ट के लिए नहीं लेकिन वो लोकल लोगों को भी काफी काम में आएगा, तो वो बन जाए। तो वो भी हम लोग एक कोशिश में हम लोगों ने स्टेट सिक्किम और उत्तर बंगाल में दोनों जगह में हम लोगों ने इसको रिक्वेस्ट रखा है और ये लेके जो है ऑलरेडी काम शुरुआत हो गया है। मतलब सिक्किम आप जानते हैं कि ऑलरेडी ये हम ये समझे राज जी कि आने वाले समय में एक डेढ़ महीने में हम वापस से आपसे जुड़ेंगे राज जी। और ये जो हीलिंग विलेज है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक पुरानी दौर की चीज को लेके नए दौर में हम आते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये एक नॉस्टैल्जिक कॉन्सेप्ट है अगर मैं कहूँ तो। सही सही है, एकदम ही एकदम। अपने दर्शकों को ये बता दें कि आप लोग स्ट्रेस ना करें, आप चिंता ना करें, क्योंकि राज जी जैसे लोग हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे अभियंता लोग हैं जो लोग लगातार आपके लिए हीलिंग विलेज जैसे कॉन्सेप्ट जो है इनको लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में हम आपसे जुड़ेंगे और आपने जो जानकारी हमें इस वक्त दी राज जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद इतनी देर हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद। 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप, दमा दमन चूर्ण, दमा दमन हर्बराज हर्बल टी जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597380। तैयारी फ्लैट लाखों को बजट के तपाईले सिलगढ़ी में फ्लैट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेंसीले यहाँ समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखों रुपया को बजट सँगै वास्तु अनुसार असल ढंग में तैयार गरेको संपूर्ण सुविधा युक्त 80 फ्लैट को अपार्टमेंट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेंसी नियर निर्मला कन्वेंट हॉस्टल, कांटेक्ट 9832350915 9434001643।